Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. उत्तर प्रदेश के सीतापुर का रहने वाला अंशु दीक्षित लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान अपराधियों के संपर्क में आया था। उसने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के एसटीएफ पर गोलियां चलाई थी। दिसंबर 2014 में उसे गिरफ्तार किया गया था। कभी मुख्तार के लिए काम करने वाला अंशु ने शुक्रवार को चित्रकूट में मुख्तार और मुन्ना बजरंगी के लिए काम करने वाले मेराजुद्दीन और मुकीम काला की हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि मेराज की कुछ वर्षों से अंशु से तानातानी चलती रही थी। मूल रूप से सीतापुर के मानक कुड़रा बनी की रहने वाले अंशु ने अपराध की दुनिया में कदम छात्र की सियासत के जरिए रखा था। बताया जाता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में वह छात्र संघ के पूर्व महामंत्री विनोद त्रिपाठी का साथी था, लेकिन बाद में उसने ही उनकी हत्या करा दी। अंशु वर्ष 2008 में गोपालगंज बिहार के भोरे में अवैध असलहों के साथ पकड़ा गया था। करीब 6 साल बाद पेशी से लौटते समय सीतापुर रेलवे स्टेशन पर सिपाहियों की जहरीला पदार्थ खिलाकर फायरिंग करते वह फरार हो गया था। अंशु पर पुलिस ने 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था। बाद में एक बार फिर मुखबिर की सूचना पर भोपाल में यूपी एमपी एसटीएफ और भोपाल क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने घेराबंदी की तो अंशु ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी थी। उस मुठभेड़ में एसटीएफ लखनऊ के सब इंस्पेक्टर संदीप मिश्र और क्राइम ब्रांच भोपाल के सिपाही राघवेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लखनऊ में गोरखपुर के तत्कालीन सभासद फैजी की हत्या और सीएमओ हत्याकांड में अंशु का नाम सामने आया था, लेकिन केस में वह मुलजिम नहीं बना था। अंशु ने फरारी के दौरान 6 महीनों तक भोपाल में डेरा डाल रखा था। वहाँ भी उस पर 10,000 रुपये का इनाम पुलिस ने घोषित किया था। जिस तरीके से कुछ पिछले महीने पहले शुक्रवार को अंशु के हाथों चित्रकूट जेल में मारा गया, अपराधी मेराजुद्दीन मूल रूप से वाराणसी का रहने वाला था। वह पहले मुन्ना बजरंगी, बाद में मुख्तार अंसारी से जुड़ा। वाराणसी में सब उसे मेराज भाई के नाम से जानते थे। बताया जा रहा है कि वह मुख्तार अंसारी गैंग के लिए हथियारों का इंतजाम करता था। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर असलहों का लाइसेंस बनवाने का वह मास्टरमाइंड था। उसने पिछले साल अक्टूबर में जैतपुरा पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। मेराज के जरिए पुलिस को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बने 9 लाइसेंसी पिस्टलों और राइफल का पता चल पाया था। बताया जाता है कि अंशु की मेराज से तानातनी तो थी, वहीं मुकीम काला को मारने के लिए उसने सुपारी भी ली थी। इसी मकसद से उसने खुद का चित्रकूट जेल में ट्रांसफर कराया था। शुक्रवार को चित्रकूट जेल में उसने दोनों की हत्या कर दी थी। हालांकि बाद में खुद भी पुलिस के हाथों वो मारा गया था। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.